देखो बच्चों, आज मैं पढ़ाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, कम से कम फिजिक्स पढ़ाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पे मैं आप लोगों को रोज पढ़ाता हूँ, तो मैं आज भी कुछ ना कुछ पढ़ा ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगा। मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम 1 to 100 वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से किसी चीज का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, खासतौर पे अगर वो नंबर 1 से 100 के बीच में है। ठीक है, खासतौर पर नहीं, इनफैक्ट उसी के लिए ही सिर्फ। तो देखें जरा ध्यान से कि मान लीजिए मुझे 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि 2 into 3 into 2 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 into 3 into 2 ये हो जाएगा 3 2 6 2 12। अब इसका जरा ध्यान दें, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहां ध्यान रखिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसके आगे के जो भी नंबर आएंगे वो डबल डिजिट में आएंगे, और ये जो होते हैं ये 3 ये सिंगल डिजिट में होते हैं। हमेशा ही बात ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर है वो आपको डबल डिजिट में लेना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं 0 1 लिखेगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं 0 4 लिखेगा, 3 का स्क्वायर 9 नहीं 0 9 लिखेगा। डबल डिजिट जरूरी है, इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे उसमें सब डबल डिजिट आएंगे ही आएंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 मत लिखेगा, 0 4 लिखेगा, 0 4। और 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो 9 भी सिंगल डिजिट है, तो इसको भी नहीं लिखना है आपको, 0 9 लिखेगा। ठीक, और इसके बाद एक ये छोड़ दीजिए, और ये जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है इसको इसको और इसको ये यहां पर लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 2 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये डबल डिजिट ही लेना है। ठीक है, शुरू के 3 जो है, इसके बाद मान लीजिए आपको 43 या 44 या 45 का आपको लेना है। ठीक है, क्या लेना है, स्क्वायर, राइट। तो पहले 4 into 5 into 2 करेंगे, 4 into 5 into 2, 4 into 5 into 2, तो ये हो जाएगा 40। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे 16, इसमें 2 डिजिट पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा 16, ये रहा 25, दोनों में 2 2 डिजिट है। इसमें 1 को हटा के बाकी 40 जोड़ लीजिए, 4 यहां 0 यहां, तो ये कितना हुआ, 5 2 6 4 10 0, और ये 1 और 1 2। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप किसी भी चीज का स्क्वायर 1 से लेके 100 तक का किसी का भी निकाल सकते हैं। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, जैसे मान लीजिए कि 30 का निकालना है, वैसे तो सबको पता रहता है कि 30 का 3 3 से 9 900 ही आएगा इसका, लेकिन फिर भी ये ट्रिक है, तो ट्रिक के हिसाब से हम एक बार करके देख लेते हैं। तो 3 into 0 into 2, तो आंसर 0 ही आ गया। ठीक है ना, अब ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 9, तो 9 नहीं लिखना है 0 9 लिखना है। इसका लिखवा 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, लेकिन मैंने पहले बताया आपको डबल डिजिट लेनी है आपको, तो 0 0, और ये हटाइए, और ये जो 0 आ रहा है इसको जोड़ लीजिए यहां पर, 0 0 9, और इसके पहले 0 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपको दुनिया भर के आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए मुझे 99 का निकालना है, तो 99 के लिए का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 9 into 9 into 2, तो कितना हो गया, 9 2 18 और 18 निम्मा 162, राइट ना। तो इसका स्क्वायर लिखिए 81, 2 डिजिट है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, इसके अंदर ये जोड़ लीजिए 1 लेकिन काट के, 162, ये ध्यान रखिएगा कि इसको 1 डिजिट को छोड़ के ही आपको जोड़ना है, ये 1 ये 0 ये 8 ये 9, यही आंसर होगा आपका। थैंक यू वेरी मच।